नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वन 11। चलिए 3 मिनट में आपको बताते हैं बिहार से जुड़े 10 बड़ी खबरें। जल जीवन हरियाली अभियान के तीसरे चरण के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार नवादा के रजौली पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 570 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार बोध गया के बोधि मंदिर भी पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। पटना में महिला विकास संघ ने एनआरसी बिल को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। पटना के बीएन कॉलेज से महिला विकास मंच ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान छात्रों से हिंसक न होने की अपील की गई। बेगूसराय में नशाबंदी और जल जीवन हरियाली के समर्थन में छात्राओं ने लोगों को जागरूक किया। सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने मैराथन में भाग लिया। लोगों से नशाबंदी और हरियाली को अपनाने की अपील की गई। छात्रों ने कहा कि पेड़ पौधे लगाएं और जिंदगी बचाएं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हुआ है। बैठक में सीपीआई के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। देश और राज्य के बिगड़ते हालात पर नेताओं ने चर्चा की। इस दौरान 19 तारीख को होने वाले बिहार बंद को लेकर भी बातें की गई। एनआरसी और सीएए के खिलाफ सीपीआई ने 19 दिसंबर को बिहार बंद का ऐलान किया। पटना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बीआईए बैठक का उसने आयोजन किया। बैठक में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दर के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विद्युत विभाग ने सरकार से विद्युत की दरों को दूसरे राज्यों की तरह रखने की मांग की है। पटना में देर रात अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लूट की नीयत से आए 3 अपराधियों ने दुकानदार को गोली मारी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना राजीव नगर थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी की है। खगड़िया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगे। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिवान में पप्पू यादव के समर्थकों ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। समर्थकों ने पप्पू यादव को नजरबंद करने का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पटना में पप्पू यादव को मंगलवार को उनके ही आवास पर प्रशासन ने नजरबंद कर दिया था। लखीसराय में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुरंतो एक्सप्रेस से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। क्यूल स्टेशन पर दुरंतो एक्सप्रेस से भारी मात्रा में शराब के साथ 6 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। बिहार में 2 दिनों के अंदर अचानक गिरे तापमान से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2-3 दिनों तक अभी और ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि गया में कोल्ड डे होने की संभावना है। इसको देखते हुए चेतावनी भी जारी की गई है। तो फिलहाल 3 मिनट में 10 खबरों में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।